तो जो मेरी पिछली वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था, SWD का प्रोडक्शन बताया था, और उसी के साथ में बताया था कैसे हीट SWD के अंदर टिश्यूज़ के अंदर प्रोड्यूस होती है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ SWD। तो इसके दो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन होते हैं, एक होता है कैपेसिटर मेथड जिसको हम कंडेंसर फील्ड मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है इंडक्टिव मेथड जिसको हम केबल मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैपेसिटर मेथड क्या होता है। तो कैपेसिटर मेथड के अंदर क्या होता है कि हम दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ में लेते हैं, और इसके अंदर हमें जो भी पार्ट, जो भी टिश्यू ट्रीट करना है, जैसे सपोज करो कि ये कोई टिश्यू है जिसको हमें ट्रीट करना है, तो उन दो इलेक्ट्रोड्स को हम उसके आसपास लगा देंगे ताकि उस टिश्यू को ट्रीट कर सके। अब इसके अंदर दो टाइप की इलेक्ट्रोड्स आती है, एक तो होती है एयर स्पेस इलेक्ट्रोड्स और दूसरी होती है पैड इलेक्ट्रोड्स। तो इन दोनों में से हम कोई भी टाइप की इलेक्ट्रोड्स यूज़ में ले सकते हैं। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम जो इलेक्ट्रोड्स है पेशेंट की स्किन के ऊपर प्लेस करते हैं, तो हमेशा हम जो इलेक्ट्रोड्स है उसको कवर कर देते हैं कोई भी इंसुलेटिंग कवरिंग के साथ, जैसे कि नॉर्मली हम जो टॉवल्स होते हैं उसके साथ उसको रैप करके और फिर स्किन के ऊपर प्लेस करते हैं। तो जो टॉवल्स होते हैं वो एक तरह का इंसुलेटिंग कवरिंग की तरह हेल्प करते हैं। तो जो हमारी दो इलेक्ट्रोड्स होती है वो जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती है उनकी तरह एक्ट करती है, और जो हमारा जो टिश्यू होता है, जो जिस भी टिश्यू के ऊपर हम ट्रीट कर रहे हैं, वो टिश्यू और जो साथ में जो इंसुलेटिंग कवरिंग है वो क्या एक्ट करती है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की तरह। अगर आप लोगों को पता हो कि जो कैपेसिटर की प्लेट होती है उसके बीच में जो होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रोड्स होती है तो वो क्या एक्ट करते हैं कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती है उनकी तरह, और जो बीच में जो भी मटेरियल होता है, जैसे जो भी हम टिश्यू को ट्रीट कर रहे हैं और उसके साथ साथ में जो इंसुलेटिंग कवरिंग है, तो वो एक्ट करती है डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की तरह। अब ये तो थी कैपेसिटर मेथड की बात। अब जो इंडक्टिव मेथड होता है तो इसके इसको क्या बोलते हैं, केबल मेथड भी बोलते हैं। अब नाम से पता चल रहा है केबल, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स यूज में ले रहे थे, तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स यूज में नहीं लेते, उसकी बजाय हम एक केबल यूज में लेते हैं। तो एक 11 मीटर का केबल होता है, तो उसको क्या करते हैं, हम जो भी टिश्यू को हमें ट्रीट करना है तो उसके अराउंड हम रैप कर लेते हैं और उससे हम टिश्यू को ट्रीट करते हैं। तो इसके अंदर हम केबल यूज में लेते हैं और टिश्यू को ट्रीट करते हैं, और इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स यूज में लेते हैं और उसको टिश्यू के आसपास लगा देते हैं इलेक्ट्रोड्स को, और फिर टिश्यू को ट्रीट करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी कि हमें क्या नॉर्मली जो साइज होती है इलेक्ट्रोड्स की वो चूज करनी चाहिए, और अगर हम ज़्यादा छोटी या ज़्यादा बड़ी इलेक्ट्रोड्स यूज में ले लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है टिश्यूज के अंदर। तो जनरली ऐसा बोलते हैं कि जो स्टैंडर्ड साइज होती है इलेक्ट्रोड्स की वो हम ऐसे चूज करते हैं कि जो भी हम टिश्यू को ट्रीट कर रहे हैं तो उस टिश्यू का जो साइज है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स का साइज होना चाहिए। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जो टिश्यू होगा उसको यूनिफॉर्म हीट मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारा जो टिश्यू है जिसको हम ट्रीट कर रहे थे, तो जो इलेक्ट्रोड्स हमने ली इस टिश्यू से थोड़ी सी ज़्यादा साइज है इन इलेक्ट्रोड्स की। तो हमेशा हमें ऐसा लेना होता है कि जो भी टिश्यू को ट्रीट कर रहा है तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स की साइज लेनी होती है। तब आप इसके अंदर एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जो रेस है वो अंदर की तरफ बेंड हो रही है। तो मैंने आप लोगों को अभी ये चीज़ बताई थी कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की तरह काम करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारा टिश्यू होता है उसका डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होता है एयर के कंपैरेटिव। तो इस वजह से जैसे ही वो टिश्यूज़ के अंदर गई रेस, तो वो क्या हो गई, अंदर की तरफ बेंड हो गई। तो ये बिल्कुल रिफ्रैक्शन की तरह है, जिसके अंदर जो लाइट रेस आती है और जैसे ही वो सॉलिड मीडियम को टकराती है तो एकदम वो डेविएट हो जाती है अपने नॉर्मल पाथवे से। तो ये बिल्कुल उसकी तरह है। तो अब हम केस लेते हैं कि जब हमने जो इलेक्ट्रोड्स ली है वो बहुत ज्यादा लार्ज ले ली, यानी कि इसके अंदर जो हमें नी जॉइंट को ट्रीट करना है, और आप देख सकते हो उसके कंपैरेटिव जो इलेक्ट्रोड्स है वो कितनी लार्ज है। तो इस टाइम पे क्या होगा, तो इस टाइम पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी टेंडेंसी होती है कि जो एजेस के ऊपर वो डाइवर्ज हो जाती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा डाइवर्ज हो जाती है, तो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर हम लार्ज लेंगे इलेक्ट्रोड्स तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एकदम डाइवर्ज हो जाएगी, और इसके अंदर क्या होगा, एजेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सुपरफिशियल हीटिंग प्रोवाइड करेगी,
और इस वजह से जिस भी पार्ट को हमें ट्रीट करना है तो उसको हमें सेंटर वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर रखना चाहिए, क्योंकि जो सेंटर वाली जो रेस होती है वो ज्यादा डीप हीटिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन जो एजेस वाली रेस होती है वो ज्यादा सुपरफिशियल हीटिंग प्रोवाइड करती है, क्योंकि वहां पे जो स्प्रेडिंग होती है रेस की वो सबसे ज्यादा होती है। तो इस वजह से हमें जो भी पार्ट को ट्रीट करना है, इस केस के अंदर हमें जैसे नी जॉइंट को ट्रीट करना है, तो उससे हमने ज्यादा जो सेंट्रल पोर्शन था उसके ऊपर रखा ताकि ज्यादा उसको हीटिंग प्रोवाइड हो सके, और जो पेरिफेरी वाली जो रेस थी उसका हमने यूटिलाइज नहीं किया ट्रीटमेंट के लिए। अब जो हम नेक्स्ट जो कंडीशन देखेंगे उसके अंदर हम लेंगे जो इलेक्ट्रोड्स है, जो भी हम टिश्यू ट्रीट कर रहे हैं तो उससे छोटी है, तो इसके अंदर हम स्मॉल इलेक्ट्रोड्स लेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है, जो टिश्यू को पूरा कवर करने के लिए ये स्प्रेड हो जाती है पूरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है। तो इसका ये है ना डिसएडवांटेज है कि जो टिश्यू होगा उसको ज्यादा सुपरफिशियल हीटिंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, स्प्रेडिंग हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उस वजह से टिश्यू को डीप हीटिंग इतनी नहीं मिलेगी और सुपरफिशियल हीटिंग ज्यादा मिलेगी। अब जो हम नेक्स्ट केस लेते हैं उसके अंदर है फार टू लार्ज इलेक्ट्रोड्स, यानी कि हमने जो हम टिश्यू को ट्रीट कर रहे हैं उसके कंपैरेटिव जो इलेक्ट्रोड्स लिए वो कुछ ज्यादा ही बड़ी ले लिए, तो इस टाइम पे क्या हमें इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो इसके अंदर जो इफेक्ट जो हीटिंग होगी टिश्यू को वो तो नॉर्मल मिलेगी, यानी कि जो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर डीप हीटिंग मिलेगी टिश्यू को, लेकिन जो बाकी की जो रेस है वो यूं ही वेस्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई टिश्यू ही नहीं है जिसको हमें ट्रीट करना है और हमने इतनी सारी इतनी बड़ी इलेक्ट्रोड्स ले ली है, तो ये वाली जो एनर्जी है वो यूं ही वेस्ट हो रही है। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो टिश्यू है उसको सफिशियंट हीट मिलेगी, लेकिन जो पेरिफेरी वाली जो एनर्जी है वो यूं ही लॉस्ट हो रही है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम अनइवन इलेक्ट्रोड्स यूज में ले, यानी कि आप देख सकते हो एक जो है वो बड़ी है और एक जो इलेक्ट्रोड है वो छोटी है, तो अगर हम अनइवन लेते हैं इलेक्ट्रोड्स तो क्या उसका फर्क पड़ता है, तो इससे क्या होता है जो छोटी इलेक्ट्रोड होती है तो वो क्या करती है, वो सुपरफिशियल हीट प्रोवाइड करती है, यानी कि जो छोटी वाली जो इलेक्ट्रोड होगी उसके नीचे जो भी पार्ट होगा हमारे टिश्यू का तो वहां पर सुपरफिशियल हीटिंग मिलेगी। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिंग की, तो स्पेसिंग का मतलब है कि जो भी हम टिश्यू ट्रीट कर रहे हैं उसके और जो इलेक्ट्रोड है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है तो वो होता है स्पेसिंग, तो वो हमें कितनी रखनी होती है, तो ये दो टाइप का हो सकता है, वाइड स्पेसिंग और नैरो स्पेसिंग। तो अगर हम वाइड स्पेसिंग ले रहे हैं तो जैसा इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो टिश्यू और इलेक्ट्रोड के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो इसका ये फायदा होता है कि जितनी ज्यादा हम डिस्टेंस रखते हैं टिश्यू से इलेक्ट्रोड की तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म हो जाती है, जैसा डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा बेंड हो रही है या फिर किसी एरिया के अंदर ज्यादा कंसंट्रेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे जो टिश्यू है उसके अंदर यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका ये फायदा होता है कि जो सुपरफिशियल टिश्यू और जो डीप टिश्यू होते हैं उनको बराबर अमाउंट के अंदर हीटिंग प्रोवाइड होती है। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो है वो है नैरो स्पेसिंग, नैरो नाम से पता चल रहा है कि जो टिश्यू और जो इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है, अगर हम कम डिस्टेंस ले तो उसका क्या होता है, उसकी वजह से तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे ये टिश्यू है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अंदर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्प्रेड हो गई, यानी कि पूरे टिश्यू के अंदर स्प्रेड हो गई वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्प्रेड हो जाने के कारण क्या होता है कि जो सुपरफिशियल हीटिंग है वो ज्यादा प्रोवाइड होती है और डीप हीटिंग जो होती है वो कम प्रोवाइड होती है अगर हम नैरो स्पेसिंग रखें इलेक्ट्रोड्स की। अब जो नेक्स्ट है स्पेसिंग के अंदर वो है अनइवन स्पेसिंग, अनइवन का क्या मतलब है कि आप देख सकते हो कि ये इसके अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रोड और टिश्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है और इसके अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रोड और टिश्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो इस वजह से इसको बोला है अनइवन स्पेसिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, आप देख सकते हो कि जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है इस साइड के अंदर, इस साइड के अंदर क्योंकि वो ज्यादा दूर था इलेक्ट्रोड तो उस वजह से यहाँ पे स्प्रेडिंग हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे स्प्रेडिंग हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे जो डेंसिटी होती है एनर्जी की वो ज्यादा होती है, और ये क्या होता है, ये जो पार्ट होता है वो सुपरफिशियल हीटिंग ज्यादा प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर क्या होता है स्प्रेडिंग हो जाती है क्योंकि ये ज्यादा दूर होता है इलेक्ट्रोड तो उस वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी ज्यादा स्प्रेडिंग हो जाती है, और इसके अंदर जो कंसंट्रेशन हो जाता है वो कम हो जाता है एनर्जी का, और इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि अब ये स्प्रेड हो रहे हैं, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्प्रेड हो रही है, इस वजह से ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है। आप अगर कंपेयर करो
कि ये जो है एरिया वो कम है क्योंकि इसके अंदर जो स्प्रेडिंग नहीं हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्प्रेडिंग हो रही है, इस वजह से ये ज्यादा एरिया को कवर भी कर रहा है और इसके अंदर कम एरिया को वो कवर कर पा रहा है। अब ये जो है वो है नॉर्मल स्पेसिंग, मतलब कि इसके अंदर ना ज्यादा दूर है इलेक्ट्रोड्स ना ज्यादा पास है, एकदम नॉर्मल स्पेसिंग है ये। तो इसके अंदर क्या होता है, टिश्यू को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीटिंग मिलती है, ऐसा नहीं होता कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, जो जितनी हीटिंग रिक्वायर्ड होती है तो उतनी टिश्यू को एडिक्वेट हीटिंग मिलती है नॉर्मल स्पेसिंग के अंदर। तो अब हम बात करते हैं पोजिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स की, यानी कि हमें कैसे इलेक्ट्रोड्स को पोजिशन करना होता है। तो मेनली दो टाइप की पोजिशनिंग होती है, एक तो होती है ट्रांसवर्स पोजिशनिंग और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल पोजिशनिंग। तो ट्रांसवर्स पोजिशनिंग के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे मेरे को अपना एल्बो जॉइंट को ट्रीट करना है तो मैं क्या करूंगी, इलेक्ट्रोड्स को एक जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, मीडियल साइड में रख दिया और एक मैंने लेटरल साइड में रख दिया, तो मैं ऐसी पोजिशनिंग कर सकती हूँ। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा टिश्यू है और यहाँ पे रेस आ रही है, तो जो ये रेस है वो टिश्यू से 90 डिग्री के ऊपर है। तो ये हो गया ट्रांसवर्स मेथड, जिसके अंदर हम मीडियल या फिर लेटरल या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं टिश्यू से। अब जो नेक्स्ट है वो है लॉन्गिट्यूडनल पोजिशनिंग। लॉन्गिट्यूडनल पोजिशनिंग में क्या होता है, जैसे कि इसके अंदर एंकल जॉइंट को हमें ट्रीट करना था, तो इसके अंदर क्या किया, एक हमने सोल के ऊपर इलेक्ट्रोड लगा दी और एक जो नी जॉइंट है उसके ऊपर लगा दी। तो इससे क्या हुआ, जैसे ये हमारे यहाँ पे टिश्यूज थे तो इसके अंदर क्या था, यहाँ पे सारे टिश्यूज थे तो जो इलेक्ट्रिक रेज है वो भी पैरेलल जा रही है। इसके अंदर क्या था कि जो भी टिश्यूज थे उसके 90, जैसे यहाँ पे ऐसे टिश्यूज थे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो 90 डिग्री एंगल के ऊपर आ रही थी। तो और इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे हमारे जो टिश्यूज है वो ऐसे लाइ कर रहे हैं पैरेलल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऐसे पैरेलल की तरफ ही जा रही है। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल पोजिशनिंग। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं एप्लीकेशन के इलेक्ट्रोड्स के। तो जो फर्स्ट है वो है कोप्लेनर मेथड। तो जो कोप्लेनर मेथड है, नॉर्मली हमारे जो बैक मसल्स होती है तो उनको हीट अप करने के लिए हम ये मेथड यूज में लेते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे ये हमारा बैक मसल्स है तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो दो इलेक्ट्रोड्स है उनको पैरेलल रखेंगे, यानी कि एक साथ साइड साइड में हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करेंगे और इससे जो हीटिंग होती है वो ज्यादा सुपरफिशियल होती है। इससे जो हीटिंग होती है वो ज्यादा डीप तक नहीं होती है, ज्यादा सुपरफिशियल होती है। जो कॉन्ट्रास्ट प्लेनर है या फिर क्रॉस फायर मेथड है इनके अंदर ज्यादा डीप हीटिंग देखने को मिलती है, लेकिन जो कोप्लेनर है उसके अंदर ज्यादा सुपरफिशियल हीटिंग होती है। बट इसके अंदर जो मेन चीज ध्यान रखने की है वो है इन दोनों की पोजिशनिंग। आप हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है बहुत पास पास में नहीं होने चाहिए, एक एडिक्वेट अमाउंट की स्पेसिंग होनी चाहिए इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। अगर ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हम बहुत ज्यादा पास में रख देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेस है वो इन दोनों के अंदर से होके चली जाएगी और टिश्यूज के अंदर से जाएगी नहीं, तो उस वजह से टिश्यूज को हीटिंग ही नहीं मिलेगी। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में एडिक्वेट अमाउंट की जो स्पेस है वो होनी जरूरी है, और वो कितनी स्पेस होनी चाहिए, एस ग्रेटर देन एस वन प्लस एस टू। तो इसके अंदर एस क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो ये डिस्टेंस है वो एस है, और एस वन प्लस एस टू का मतलब है, एस वन मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी और जो हमारी स्किन है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, ये हमारे इलेक्ट्रोड है ये हमारी स्किन है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है S1 और S2, यानी कि S1 मतलब एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड और स्किन के बीच की डिस्टेंस और S2 का मतलब है दूसरे इलेक्ट्रोड की और उसके स्किन के बीच की डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है उन दोनों के सम से ज्यादा होनी चाहिए इसकी डिस्टेंस, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस, और ये है S। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों को हमें पास पास में नहीं रखना, और ये नॉर्मली हमारी जो बैक मसल्स होती है उसको हीट अप करने के लिए ये मेथड यूज में आता है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रा प्लेनर मेथड। तो जो कॉन्ट्रा प्लेनर मेथड होता है वो अच्छी खासी डीप हीटिंग प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर क्या करता है, जैसे सपोज करो कि मुझे अपना एल्बो जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट कोई भी ट्रीट करना है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड को जैसे मैंने रख दिया एंटीरियर की तरफ और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसको मैंने रख दिया पोस्टीरियर की तरफ। तो फिर हम जिस भी टिश्यू को ट्रीट करते हैं तो उसके आसपास उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम जो इलेक्ट्रोड्स है उसको प्लेस कर सकते हैं।
इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर की डायरेक्शन में भी प्लेस करते हैं कर सकते हैं, या फिर हम मीडियल या फिर लेटरल डायरेक्शन के अंदर प्लेस करना चाहे तो वो भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्राप्लेनर मेथड। अब जो नेक्स्ट है वो है क्रॉस फायर मेथड। तो जो क्रॉस फायर मेथड होता है वो एक स्पेशल मेथड होता है जिसके अंदर हम दो बार एक ही टिश्यू को हीट करते हैं, यानी कि एक डायरेक्शन के अंदर हम पहले एक बार टिश्यू को हीट कर देंगे, फिर दूसरी डायरेक्शन से हम उसी टिश्यू को वापस से हीट करेंगे। जस्ट सपोज करो मुझे यहाँ पे हीटिंग प्रोवाइड करनी है, तो मैं क्या करूंगी, पहले एक साइकिल के अंदर क्या करूंगी, मैं एंटीरियर पोस्टीरियर इलेक्ट्रोड्स को रख दूंगी और एक बार इसको हीट अप कर दूंगी, फिर नेक्स्ट साइकिल के अंदर क्या करूंगी, मैं लेटरल और मीडियल डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रोड्स को रख दूंगी और वापस से इसको हीटिंग प्रोवाइड करूंगी। तो इसका फायदा ये है कि पूरा जो जॉइंट है, जो पूरा जो टिश्यू है, उसको चारों तरफ से अच्छी खासी हीटिंग मिल जाती है, यानी कि पूरा सर्कमफेरेंशियल हीटिंग मिल जाती है, पूरी चारों तरफ से उसको जो हीटिंग है वो प्रोवाइड हो जाती है। एक बहुत ज्यादा अच्छा मेथड होता है अगर आपको नी जॉइंट को ट्रीट करना है, या फिर हमारे जो साइनसेस होते हैं, फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस या फिर मैक्सिलरी साइनस, तो अगर साइनस को ट्रीट करना है तो भी इस मेथड को हम यूज में ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है मोनोप्लेनर मेथड। तो इसमें नाम से पता चल रहा है मोनो, यानी कि हम सिर्फ इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रोड को यूज में लेते हैं, जो दूसरे इलेक्ट्रोड है उसको या तो हम कभी कभी यूज में नहीं भी लेते हैं, या फिर कहीं दूसरी जगह पर प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर हम प्लेस कर सकते हैं, और जो मेन इलेक्ट्रोड है हमारी, तो उसको जो भी हम टिश्यू को ट्रीट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम प्लेस कर सकते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे 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 ये टिश्यू था उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोड प्लेस करी, तो जैसे जैसे डीप तक जाता है तो उसकी जो रेस है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस वजह से जैसे जैसे रेस डीप तक जाती है तो बहुत ज्यादा सुपरफिशियल हीटिंग प्रोवाइड होती है। तो जो मोनोप्लेनर मेथड है उसके अंदर भी हमें ज्यादा सुपरफिशियल हीटिंग देखने को मिलती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आती है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे बताएं, या फिर मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले। सो थैंक यू सो मच, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी केबल मेथड ऑफ SWD।